भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। पहला T20 मुकाबला 27 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और साथ में बताएंगे वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इस सीरीज में वापसी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय टीम के अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिम्बाब्वे के ऊपर शानदार जीत हासिल करने के बाद अब भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम 3 T20 मैचों की सीरीज के अलावा 3 ODI मैचों की सीरीज खेलने वाली है। पहला T20 मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा जबकि दूसरा T20 मुकाबला 28 जुलाई को खेला जाना है। तीसरा T20 मुकाबला 30 जुलाई को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज 2 अगस्त से शुरू होगी। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला 27 जुलाई को शाम 7 बजे से शुरू होगा। ये मुकाबला पल्लिकेले में खेला जाना है। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 में धमाकेदार प्रदर्शन किया था। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद युवा भारतीय टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर गई हुई थी जहां पर शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने 4-1 से शानदार जीत हासिल की। अब यहां पर भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर भी जीत हासिल करना चाहेगी। अगर हम श्रीलंकाई टीम की बात करें तो श्रीलंका टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी श्रीलंका की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। हालांकि श्रीलंका की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन श्रीलंका की टीम को इस सीरीज में बेहतर खेल दिखाना होगा। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली इस T20 सीरीज में कई दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर है जो न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंदबाजी से भी कमाल कर रहे हैं। पहले खबरें आई थी कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के कप्तान होंगे, लेकिन अब कुछ खबरें आ रही हैं जिसके हिसाब से सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के नए कप्तान बनाए जा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव भी जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं गए थे। इन दो दिग्गज खिलाड़ियों के अलावा कुलदीप यादव भी भारतीय टीम में वापसी करेंगे। कुलदीप यादव ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में कमाल की गेंदबाजी की थी। श्रीलंका की पिचों पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है और ऐसे में कुलदीप यादव एक खतरनाक गेंदबाज साबित होंगे। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी वापसी करने जा रहे हैं। अर्शदीप सिंह ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट झटके थे। निश्चित तौर पर अर्शदीप सिंह श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया है। सीधा सा मतलब है कि ये दोनों दिग्गज अब T20 क्रिकेट में नहीं खेलेंगे। इन दो दिग्गजों के अलावा रविंद्र जडेजा और KL राहुल भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले T20 मुकाबले में अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो शुभमन गिल, SSB जयसवाल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और खलील अहमद को मौका मिल सकता है। आपके हिसाब से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? क्या भारतीय टीम श्रीलंका को T20 सीरीज में हराएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।